देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक हो रही भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में भी लगातार हो रही भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के पटना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बाइक पानी की तेज धार में बह गई। बिहार के मुंगेर में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोग जिंदगी बचाने के लिए तेज धार से जंग करने को मजबूर हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन में अचानक आए तेज सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गया। बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पटना में गंगा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। पटना के दीघा घाट से लेकर गांधी घाट, गाय घाट समेत सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रास्तों सड़कों पर बाढ़ के पानी ने डेरा जमा रखा है। वहां से जो तस्वीरें आई सामने उनमें लोग अपने घर जाने के लिए गर्दन तक पानी में चलते नजर आए। गंगा उफान पे है और इस कारण से गंगा जो है पटना के शहर में जो है एंट्री करने लगी है। इस डर हम बात करें तो गंगा के बड़े जल स्तर को लेकर के जिला प्रशासन ने नाव का परिचालन पूरी तरह से बंद कर रखा है। सीधे तौर पे जिला प्रशासन जो है डीएम ने निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने ये आदेश जारी किया कि गंगा में जो निजी नाव है उसका परिचालन नहीं होगा। उसके बावजूद यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो नाव का परिचालन यहाँ पे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के आदेश का खुलेआम उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। लोग जो हैं वो नाव का प्रचालन करते हुए इस पार से उस पार आ जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही कहेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं वो आए हैं, देख सकते हैं कि नाव का प्रचालन करते हुए, तो इनसे हम इन लोगों से बात भी करते हैं कि बताइए कहाँ से आए हैं आप। हम लोग संबलपुर बंगाली टोला है, ये सामने आपका है। ऐसे हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे साथ चलते, हमारा सीन देख लेते और इसको आप अपने टीवी पर के चैनल से के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जिला प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया है उसको तो आप लोग मान नहीं रहे हैं। जिला प्रशासन ने निजी नाव के प्रचालन पर रोक लगा रखा है। अभी रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा न है कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। मेरा नाम विजय राय है सर। विजय राय जी हैं, आप बताइए किस कह रहे थे आप? कह रहे थे सर ऊपरती से जो आने के लिए व्यवस्था चाहिए ना, निजी नाव जो बंद है तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए, यही व्यवस्था है। अब देखिए सर नाव भैंस का देखिए लोड होकर आ रहा है। चलिए तो देखिए ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो नाव है सामने जो दिख रहा है ये सबलपुर इलाका है, बंगाली टोला इलाका है। और वहाँ से जो जो पशु हैं उन्हें भी नाव पे लोड करके लाया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पे लाने की जो है वो कोशिश इन लोगों द्वारा की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि चूंकि जान जो है देने से अच्छा है कि हम जिला प्रशासन के आदेश का थोड़ा अवहेलना कर लें और अवहेलना करके अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले आए। तो फिलहाल जिला प्रशासन को भी देखना होगा इन लोगों के लिए कुछ पर्याप्त व्यवस्था करे ताकि ये लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थान पर आ सके। अब आपको पटना जिले के ही मनेर की तस्वीर दिखाते हैं। मनेर में जल तांडव से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों से लेकर आंगन तक पानी भर चुका है। लगातार बारिश और गंगा नदी के उफान के बाद सड़क पर समंदर सा आ गया। सड़कों पर नाव चलने की नौबत आ गई है। मवेशी का चारा लेकर लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, आदमी का खाने का ठीक नहीं है, ऊपर से मतलब माल जाल है, सब चीज है, यहाँ पे रहने के शरण नहीं है, नाव पर आदमी समय बिता रहा है। हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। इतना वो की तबीयत भी खराब है तो लोग टांग कर खटिया पर लेकर आया, ले जाकर भर्ती किया। पानी बढ़े तो सब एकदम फूल हो गए ना बह जाए। अब आपको उत्तराखंड में आसमानी आफत की भी तस्वीरें दिखा दें। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद अब ऋषिकेश में नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थीं, तभी पहाड़ का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह सड़क पर गिरने लगा, जिसके बाद जो लोग वहां थे वो घबरा गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। उत्तराखंड से पिछले कई दिनों से पहाड़ खिसकने की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
वहीं यूपी में गंगा और यमुना समेत तमाम नदियां गुस्से में हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहर में सैकड़ों परिवार राहत शिविरों तक पहुंच गए हैं। जो शिविरों तक नहीं गए उनके सामने गृहस्थी बचाने का संकट है। अब आपको बाढ़ से बेहाल उत्तर प्रदेश की 5 तस्वीरें दिखा दें। यूपी के मिर्जापुर के 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। औरैया में तो हालात इतने बुरे हैं कि बाढ़ का पानी मंदिर में घुस गया। गोंडा में घाघरा नदी अब तक कई मकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वाराणसी और गाजीपुर से भी लगातार जल प्रलय की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि ये मानसून का आफत काल। वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई गांवों में मकानों में पानी भर गया है, तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत शिविर में लाकर रखा गया है। तो ये तस्वीरें जरा प्रयागराज की देखिए, वहां आपको सड़कों पर अब नाव चलती हुई नजर आ रही होगी। लोग इसी तरह अब जीने को मजबूर हैं। खतरा इस बात का कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हालात इससे ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हमारे यहाँ इतना तक पानी भर गया सर, सरकार सेवा कर रही है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कितने लोग हैं यहाँ? तकरीबन 400 आदमी आ चुके और आने की उम्मीद है। करीबन 500 आदमी है, 500-550 आदमी है। शाम सुबह दोनों समय खाना मिल रहा है। लड़कन का जो चाय नाश्ता दूध जो आ रहा है वो भी दे रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए समुचित व्यवस्था करे। और गंगा यमुना निरंतर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है और निरंतर पानी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां लगातार उफान पर हैं और शहर से लेकर गांव तक पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बख्शी बांध पर मौजूद हैं। यहाँ पर किस तरह से जो मकान है वो आधे पानी में डूबे हुए हैं और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कल से ही अगर बात करें तो 1.5 से 2 फीट तक जलस्तर इसका बढ़ गया है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। NDRF, SDRF, PSC की फ्लड कंपनी यहां पर लगी हुई है। जो इलाके हैं यहां पर दारागंज, सलोरी, छोटा बघाड़ा, निवादा, बेली कछार, ऐसे तमाम इलाके हैं जो जलमग्न हैं। हजारों मकानों में पानी घुसा हुआ है और इसके साथ साथ जो बाढ़ राहत शिविर हैं उन बाढ़ राहत शिविरों में तमाम लोगों को लगाया गया है। और NDRF की टीम आज एक बार फिर से यहां पर पहुंची है और आज फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। तमाम जो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस जल प्लावन को देखने आ रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ आई है। आप यहाँ आए हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर बाढ़ आई है, कितनी मुसीबतें हैं लोगों को यहाँ पे? हर साल बाढ़ आती है, हम लोग देखने आए, मुसीबतें बहुत हैं यहाँ पे, परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशान लोग फंस गए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग फंसे हैं। आप भी यहाँ पर आई हैं, क्या देख पा रही हैं और किस तरह से यहाँ पर लगातार अभी भी पानी बढ़ रहा है? हाँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बाकी सभी परेशान हैं यहाँ पे बाढ़ की वजह से। बगल में बख्शी बांध है, हम लोग देखने आए हुए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर देखने भी आए हुए हैं, लेकिन आज NDRF का क्या रूट प्लान रहेगा, किस तरह से आज यहाँ पर लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य चलेगा, इसके लिए हम बातचीत करेंगे NDRF के कमांडर यहाँ पर दिनकर त्रिपाठी जी हैं। सर, ये बताएं कि आपकी टीम फिर से आ गई है, फिर से आप लोग यहाँ पर नाव को तैयार कर रहे हैं, तो क्या आज की स्ट्रेटजी है, कैसे लोगों को बचाएंगे एक सुरक्षित, और क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है पूरा? जब तक वाटर लेवल बढ़ता रहेगा तब तक हमारी टीम इसी तरह से, जैसे हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ में रेकी भी करते रहते हैं दिन भर। वाटर लेवल पिछले 24 घंटे में 1.5 फीट के करीब बढ़ा है अभी। जी सर, अभी अभी क्या ऊपर से जानकारी मिल रही है सिंचाई विभाग से कि अभी क्या पानी बढ़ सकता है, स्थिर रहेगा, क्या जानकारी मिल रही है? ये स्थिर होना लगभग ऐसी है जानकारी के अनुसार कि आज दोपहर या शाम तक पानी स्थिर होने की संभावना है। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात हैं, कितने गांव इससे प्रभावित हैं और सुरक्षा के क्या इंतजाम? देखिए, इस वक्त मैं खुद एक बोट पर मौजूद हूं NDRF की, और इस समय बारिश हो रही है जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्य पहुंचाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है क्योंकि कई दिन से बिजली इलाके में नहीं है, जिसकी वजह से पानी का संकट हो गया है। खुद NDRF के कमांडर दिनकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम उन गलियों में इस बोट के जरिए हैं और लगातार सुबह से बारिश हो रही है जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हो रही हैं। ये वो तमाम मकान हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो फंसे लोग हैं घरों में,
उन तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर राहत उनको जो है पहुँचाई जा रही है और लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसी बोट के जरिए जो है आप देख सकते हैं लाइव है बिल्कुल कि यहाँ पर पानी दिया जा रहा है, जिनके पास पानी पीने का नहीं है इस तरह से एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 लगातार मौजूद है। ताजा हालात क्या है यहाँ के हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि इस बारिश के बावजूद जो एनडीआरएफ के जवान है वो लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ कमांडर दिनकर त्रिपाठी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं इस समय? हाँ, जिसको भी एवेक्यूएशन की जरूरत पड़ती है हम उनको एवेक्यूएट करते हैं और यहाँ से लगभग 21-22 लोगों को हमने एवेक्यूएट किया है। और अभी जो वाटर वगैरह की समस्या है कि लोगों के घरों में पानी नहीं है, उन लोगों को हम पानी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, कितनी दिक्कतें पेश आ रही है इसकी वजह से? बारिश की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि लोग हैं जो वो घरों में घुसे हुए हैं और हम लोग भी रेन कोट लगा के और इस इतनी भारी बरसात में ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश के बावजूद ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर है और लगातार जो भी लोग अफेक्टेड हैं इस बाढ़ से उनकी मदद यहाँ पहुँचाई जा रही है और न्यूज़ 18 की टीम भी जो है एनडीआरएफ के साथ ही साथ लगातार हालात पर और जिस तरह से बाढ़ग्रस्त इलाकों में संकट का दौर है और जिस तरह से लोग परेशान हैं वो आम लोगों तक हम लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सरकार तक, शासन और प्रशासन तक ये तस्वीरें न्यूज 18 लगातार पहुंचा रहा है और दिखा रहा है कि किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई है और लोगों को किस तरह से मदद पहुँचाई जा रही है। जी, आप रहिए जरा साथ में, देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। चिंता की बात यह है कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा नदी खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हर घंटे ये 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। यही वजह है कि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया और कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, इतना परेशान हो चुके हैं कि यहाँ रहने का मन नहीं करता। पढ़ाई लेकर हर कुछ डिस्टर्ब होती है यहाँ पे, रहने का ना पानी है, ना खाने को मिलता है, ना लाइट रहती है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। सरकार नाला का कुछ समाधान नहीं कर रहा है, हम लोग क्या करें? 5-6 बाल बच्चा है हम लोग का, लेकर जा रहे हैं, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना मोमबत्ती मिल रहा है, ना सलाई मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें? नाला के चलते बहुत पानी जो है घर तक पहुँच जा रहा है, घर के अंदर जो कि रहने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोगों को गाँव जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जालौन में भी पानी भरा हुआ दिख रहा है। आसमान से ली गई तस्वीरों में पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है जैसे वो इलाका अब पानी में मग्न हो चुका हो। जो लोग हैं वो वहीं पर फंसे हुए हैं, उनके आसपास खाने पीने की भी कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए यहां राहत बचाव के काम में इंडियन एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया जिनसे लगातार लोगों के लिए जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही है। शनिवार को करीब 5,000 किलो खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें वहां गिराई गई। अब जरा मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखा दें। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 3 लोग बाइक के साथ बाढ़ का पानी पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पानी में बह गई। वीडियो में साफ दिखा कि तेज बारिश के बीच 3 लोग बाइक के साथ तेज धार के बीच से निकलकर रास्ता पार करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कुछ दूरी पर ही बाइक पानी के बीच फंस गई और फिर तीनों बाइक को छोड़कर अपनी जान बचाते नजर आए। इसी बीच बाइक तेज धार में बह गई। जो सदस्य विरोध